नमस्कार एरिस, एरिस यानी मेष राशि, मेष सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि इस साल की और इस महीने के एंड तक की ये रीडिंग होगी। 2023 दिसंबर एंड तक की ये रीडिंग होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एरिस देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले एरिस देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो एरिस, जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक वो सबसे पहले महसूस इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। मैं और हो सकता है कि इसमें वो किसी एल्डर गुरु की, किसी घर के मेंबर की या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो उनकी हेल्प लेते हुए वो एक दूसरे से इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी वो इसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे को माफ़ करते हुए वो आगे बढ़ें और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, फिर से सहनाइयाँ बजें इस रिश्ते में ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, समाज में मान सम्मान हो, इज्जत हो और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो। तो वो इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, वो इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने परिवार फैमिली के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें अपनी एनर्जी, अपना टीम एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो एरिस, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में जो है ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति जैसे बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, फिर से बन रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और क्योंकि वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो इस उनका नज़रिया चेंज होगा और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अंधविश्वास ना करते हुए वो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना शुरू करेंगे, एक दूसरे पर बिलीव करेंगे और ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले अपना नज़रिया चेंज करें, अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें ताकि पॉजिटिविटी आ सके, पॉजिटिव हो सके। जो चीज़ें रुक चुकी हैं, जो रिश्ता थम चुका है वो आगे बढ़े और उसके लिए आप खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, आप खुद पर फोकस करें और सेल्फ वो इसमें हीलिंग मेडिटेशन करें। क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आपका नज़रिया चेंज होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा वो जो है आपसे चाहते हैं एरिस, आपके पर्सन, क्योंकि इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं और नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं वो एरिस, आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या एक्शन लेंगे, वो आपके लिए क्या एक्शन चाहते हैं।
फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिज जो आपके पर्सन है, क्योंकि और ऑप्शन होते हुए भी वो इस रिश्ते में स्टक हैं, वो मतलब इसी उनको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है, तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं, मतलब अपने कि आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें डिसीजन लें, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में फिर से हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है और वो महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में। वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो एरीज हैं आप पैशन के साथ, जुनून के साथ इस जो भी उनका मन करता है उस हिसाब से वो काम करें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को वो इग्नोर ना करें, क्योंकि हर बार जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं, वो चीज़ें सच नहीं होती, वो चीज़ें सही नहीं होती। तो बिलीव करें, भरोसा करें और एक दूसरे पर यकीन करें और पैशनेट नज़रिए से इस रिश्ते को देखें, इस रिश्ते की खुशहाली को देखें कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है। तो इसलिए वो चाहते हैं, इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें एक डिसीजन लिया जाए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए, ताकि जो रिश्ता वो चाहते हैं फिर से वही रिश्ता उन्हें मिल सके। तो वो खुद इस रिश्ते में या तो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। सॉरी गाइस, देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। यूनिवर्स गाइड में प्लीज, एरिज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है, उन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। यूनिवर्स एरिज के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज, कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या अभी नहीं बढ़ना चाहिए। देखते हैं, द चैरियट, द मून एंड द हायरोफंट। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों इसमें हो सकता है कि या तो एरिज या तो आप खूब महसूस कर रहे हैं कि उनके बिना आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनसे इतना अटैचमेंट फील करते हैं, इतना प्यार प्रेम करते हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो अननोन फियर हैं, जो डर कर घबरा कर इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ है, जो महसूस कर रहे हैं या तो एरिज या तो उनके पर्सन कोई भी इसमें जो महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई नेगेटिविटी यानी कि है, जो कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी मिस्ट्री है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनसे छिपाई जा रही है, वो इसमें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कोई राज मिस्ट्री उनसे छिपाया गया है, या तो मतलब एरिज या एरिज के पर्सन कोई भी इसमें सोच रहा है। लेकिन अगर बजाय के इस एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस अननोन फियर में रहने के, अगर आप समझदारी के साथ काम लेंगे, बजाय किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के, आमने सामने खुलकर इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो इस रिश्ते में रुकावटें हैं, जो ये रिश्ता बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, जो अननोन फियर से आप डरे घबराए हुए हैं, जो पनौती लग रही है इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। आप सत्संग में जाइए, कीर्तन में जाइए, पॉजिटिव लोगों में बैठिए, पॉजिटिविटी लाइए, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कीजिए, और अगर एक वॉरियर की तरह, एक डिटरमिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप इसमें हिम्मत करेंगे कि आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए इस रिश्ते में, तो ये तो आपको इसमें आपकी जीत होगी, यानी कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बन सकता है, क्योंकि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस अननोन फियर से बाहर निकलना है,
जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिसमें आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे लॉयल नहीं है या फिर जो है उनके पार्टनर लॉयल नहीं है, तो उन चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा। और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसे बाहर कीजिए, बजाय कि उसकी बातें मानने के आप दोनों आपस में खुलकर बातें कीजिए आमने सामने, ताकि क्लैरिटी आ सके और ये रिश्ता फिर से जीत हासिल कर सके, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में फिर से आ सके। तो फिर से खुशियां आ सकती हैं इस रिश्ते में अगर आप कोशिश करेंगे, बजाय के बाहर वाले की मानने के आमने सामने आप क्लैरिटी लाएंगे इस रिश्ते में। और इस जो आपके खुद के बनाए हुए हैं जो ये चीज़ें जिससे आप डरे घबराए हुए हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे हिम्मत मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। तो तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।